हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू यूट्यूब चैनल ऑफ नंद एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में स्पेशली हमने माउथ और साथ साथ आपका स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया था आपसे। क्लियर? टुडे योर टॉपिक इज बक्कल कैविटी, दैट मीन्स सेकंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का हमारा जो सेकंड पार्ट होता है बक्कल कैविटी, इसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। क्लियर? लेट अस स्टार्ट। तुम्हारी बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी दैट मीन्स हमारा माउथ होता है। ये माउथ हमने बताया था आपसे, माउथ इज ए स्लिट लाइक अपर्चर, माउथ इज ए स्लिट लाइक अपर्चर विच आर सराउंडेड बाय द टू मूवेबल लिप्स। क्लियर? ये जो दो मूवेबल लिप्स होते हैं, इनके द्वारा हमारा ये माउथ जो होता है सराउंड होता है, और ये ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर के रूप में होता है या उसके फॉर्म के रूप फॉर्म में होता है। तो स्पेशली यू कैन से कि हमारा जो माउथ होता है, अब इसमें इसको हम डिफाइन सॉरी बक्कल कैविटी को डिफाइन कर सकते हैं कैसे। इसमें सबसे पहली बातें हम ये बताएंगे, बक्कल कैविटी इज आल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी। क्लियर? जो हमारी बक्कल कैविटी होता है, इसका हम अदर नेम जो होता है उसे हम ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। फुल स्टॉप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स, द माउथ इज ओपन लार्ज चैम्बर पोस्टीरियर साइड कॉल्ड बक्कल कैविटी। क्लियर? जो हमारी ये माउथ होता है, माउथ ये आपका पोस्टीरियर साइड में एक लार्ज चैम्बर में जाकर के ओपन होता है, उसे हम नाम देते हैं आपका बक्कल कैविटी कहते हैं। क्लियर? तो वी कैन से कि इन पोस्टीरियर साइड माउथ आर ओपन इन लार्ज सैक और अ लार्ज चैम्बर known as buccal cavity। Clear? Now next point, इसमें हम discuss करेंगे आपसे कि buccal cavity is composed of, buccal cavity जो होती है हमारी उसमें कौन कौन से part मिलकर के buccal cavity का formation करते हैं। तो उसमें आपका buccal cavity is composed of lips, palate, tongue, teeth and cheeks। ये सभी लोग जितने भी पार्ट्स हमने आपसे बताए, लिप्स, पैलेट, टंग, टीथ, चीक्स, जितने भी पार्ट्स होते हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं, बक्कल कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें हम एक बता सकते हैं आपसे, डिस्कस कर सकते हैं, बक्कल कैविटी इज कंपोज्ड ऑफ पैलेट, टंग, टीथ एंड चिक्स। क्लियर? जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी स्पेशली जो होते हैं पैलेट से, टंग से, टीथ और चिक्स होते हैं, ये सभी लोग एक दूसरे से क्या करते हैं आपका ज्वाइन कर जाते हैं। दैट मीन्स कि यू कैन से पहले टंग, टीथ एंड चिक्स आर ज्वाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म द लार्ज चैम्बर नोन एज बक्कल कैविटी। क्लियर? तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। बक्कल कैविटी में स्पेशली हम देखेंगे, बक्कल कैविटी आर सराउंडेड
by some organs anteriorly, या इसे हम कह सकते हैं आपका एंटीरियर में क्या क्या होता बक्कल कैविटी के, बक्कल कैविटी के एंटीरियर साइड में, तो यहां पर देखेंगे एंटीरियर लिप्स। क्लियर, जो हमारा ये बक्कल कैविटी है, ये बक्कल कैविटी हमारे माउथ के अंदर का पार्ट होता है, उसके बाहर वाला एरिया जो होता है हमारा लिप्स कहलाएगा। तो एंटीरियर साइड का मतलब आपका आगे वाला भाग, ठीक है, एकदम आगे का पोर्शन होता है, फ्रंट वाला पोर्शन जो होता है वो हमारा एंटीरियर साइड का होता है और एंटीरियर साइड आपका लिप्स कहलाता है। क्लियर, पोस्टीरियर साइड बक्कल कैविटी का, पोस्टीरियर साइड ये आपका ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स ये हमारा ओरोफेरिंग्स जो होता है ये पोस्टीरियर साइड होता है बक्कल कैविटी का। क्लियर, अर्थात जो हमारे बक्कल कैविटी है माउथ ओपन करते हैं उसमें आपका लार्ज चैम्बर दिखता है, इस लार्ज चैम्बर के जो पोस्टीरियर साइड वाला एरिया होता है वो पोस्टीरियर वाला साइड एरिया जो होते हैं वो हमारा क्या होता है आपका ओरोफेरिंग्स कहलाता है। तो जो हमारा ये बक्कल कैविटी होता है एंटीरियर साइड में लिप्स से आपका सराउंड होता है और पोस्टीरियर साइड में आपका ये ओरोफेरिंग्स सराउंड होता है। क्लियर, इसमें नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम ऐड करेंगे सुपीरियर इंफीरियर लैटरल। क्लियर, तो एंटीरियर साइड आपका लिप्स, पोस्टीरियर साइड आपका ओरोफेरिंग्स। क्लियर, और सुपीरियर जो होता हमारा सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, यहां पर आप इसमें लिख सकते हैं सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। क्लियर, जो हमारे सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट होते हैं, हार्ड पैलेट ये आपका सुपीरियर साइड वाले भाग होते हैं। क्लियर, सुपीरियर का मतलब ऊपर की ओर, बक्कल कैविटी के ऊपर जब हम माउथ को ओपन करते हैं, आप ख्याल करो जब माउथ को आप ओपन करोगे तो माउथ के अपर पोर्शन पर जब आपने थम से उसको आप फील करोगे टच करोगे तो वहां पर आपका एरिया कुछ क्या होता हार्ड दिखता है। तो आपका एंटीरियर वाला पार्ट होगा वो हमारा कहलाएगा हार्ड पैलेट और पोस्टीरियर जो पार्ट होगा उसे कहेंगे आपका सॉफ्ट पैलेट। तो ये जो आपका हार्ड और सॉफ्ट पैलेट होते हैं ये सुपीरियर पोर्शन होते हैं, सुपीरियर साइड होते हैं किसके, बक्कल कैविटी के। क्लियर, इसमें आप देखते हैं अगला वादी कि हमारा इंफीरियर एरिया जो है, इंफीरियर का मतलब हो गया नीचे वाला एरिया। अब नीचे वाले एरिया में क्या होगा आपका स्पेशली टंग आएगा, ठीक है ना, यहां पर हम इसमें बता सकते हैं आपको ये हमारा टंग हो गया जो स्पेशली क्या होता है आपका ये हमारा इंफीरियर वाला एरिया होता है। और लेटरल साइड वाला एरिया ये जो आपके साइड साइड के आपके एरिया होते हैं ये हमारा चिक्स, जो चिक्स होगा ये आपका लेटरल साइड का होता है, यहां पर हम लिख सकते हैं इसमें चिक्स। क्लियर, इतने पार्ट्स हैं, ये सभी पार्ट्स क्या होते हैं आपका पूरे बक्कल कैविटी का बाउंड्री बनाते हैं अर्थात उसको चारों तरफ से कवर किए रहते हैं। क्लियर, आगे बात है इसमें हम और डिस्कस करेंगे आपसे बक्कल कैविटी के थ्रू। जो हमारा बक्कल कैविटी होता है, बक्कल कैविटी की वाल होती है, बक्कल कैविटी की वाल आर सराउंडेड बाई स्ट्रैटी फाइड स्क्वामोस एपिथीलियम। क्लियर, जो हमारा ये स्क्वामोस एपिथीलियम से क्या होते हैं आपका स्पेशली सराउंड होते हैं, यहां पर हम देखें तो इसमें हम बातें मेंशन कर सकते हैं बक्कल कैविटी आर लाइंड बाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथीलियम। क्लियर, जो हमारी ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथीलियम लेयर से हमारी बक्कल कैविटी क्या होते हैं आपका ये सराउंड होती है। और ये हमारी बक्कल कैविटी की जो लेयर होती है आप देखते हैं
ये आपका हर हमेशा जो आप ऑलवेज ये क्या होते हैं, ब्रेकेज होते हैं। ब्रेकेज का मतलब टूटते रहते हैं। अब उसको टूटने का हम एग्जांपल बताएं, कब टूटता ये, जब कोई पदार्थ या कोई फूड मॉलिक्यूल जो है आप मस्टिकेट करते हो अपने बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में कोई फूड मॉलिक्यूल मस्टिकेट करते, तो वहां भी क्या होता है, वो हमारा ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम होते हैं वो ब्रेकेज होते हैं, वो टूटते हैं, क्लियर। और जब टूट कर निकल जाएंगे तो आपका नीचे से क्या होता है, आपका अबिलोसाइट से जो हमारा यह सेल वाली एरिया होती है, उस सेल में आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो न्यू सेल आपकी जनरेट करती हैं और उसके स्थान पर रिप्लेस कर जाती हैं, अर्थात उसका स्थान ये इंटेक कर लेती, रिसीव कर लेती हैं, जिससे फिर क्या होता है, नॉर्मल हमारा बक्कल कैविटी की लेयर जो होती है मेंटेन हो जाती है। दूसरी बात है, हम मॉर्निंग टाइम में क्या करते हैं, आपका टूथब्रश करते हैं, उस टूथब्रश में देखते हैं क्या होता है, कुछ आपके सेल्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं आपका लगे होते हैं, सेल्स कुछ सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो सेल्स कौन सा होता है, हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम की लेयर होती है, क्लियर। जो क्या होते हैं आपका ऊपरी उनकी एरिया जो होती है वो यूं समझिए कि आपका लेयर बाय लेयर क्या होते हैं आपका रिमूव कर जाते हैं, और आपका बिलो साइड से क्या होते हैं न्यू सेल जो होती लेयर की वो जनरेट करके अपर साइड की ओर आती रहती हैं। इस प्रकार से क्या होता है, इनका सिस्टम जो होता है प्रॉपरली चलता रहता है, क्लियर। जो हमारी बक्कल कैविटी होता है, बक्कल कैविटी में आपको बताया ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम का मतलब क्या, लेयर बाय लेयर, लेयर में आपका क्या होता है, आपकी जो सेल्स होती हैं वो आपकी बनती रहती हैं, निकलती रहती हैं, क्लियर। इस तरह से क्या होती है, आपका सारा प्रोसेस में स्पेशल चलता है। तो आइए देखते हैं हमारा बक्कल कैविटी में, हम सबसे पहले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो पार्ट हमारा होगा लिप्स। जो हमारा लिप्स होता है इसको आप देखिए स्पेशली, ये बक्कल कैविटी का फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट कौन सा पार्ट है आपका, लिप्स, ठीक है। अब ये लिप्स जो होता है हमारा कैसा होता है, आप देखिए लिप्स जो होता है मूवेबल लिप्स होते हैं, मूवेबल लिप्स हैं, लेकिन मूवेबल लिप्स होने के साथ साथ ये आपका फ्लैसी थिक, क्लियर। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि लिप्स आर फ्लैसी फोल्ड सराउंडिंग द ओपनिंग ऑफ माउथ, अर्थात कहने का मतलब हमारा लिप्स होता है, लिप्स आर फ्लैसी थिक एंड सराउंड द ओपनिंग ऑफ माउथ, दैट मीन्स की टू मूवेबल लिप्स आर प्रेजेंट, दो मूवेबल लिप्स क्या होते हैं आपका प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, वो हमारा लिप्स कहलाते हैं। स्पेशली हमारा लिप्स होता है, इट इज कवर्ड स्किन, मतलब इट इज कवर्ड बाय स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये स्पेशली क्या होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से, और साथ साथ क्या होता है आपका ये स्किन से हमारी कवर होती है। अपर लिप्स जो होते हैं, इस अपर लिप्स और लोअर लिप्स में स्पेशली क्या होते हैं आपका स्किन के साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर प्रेजेंट होती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर से क्या होते हैं आपका म्यूकस सबस्टेंस रिलीज होते हैं, जो हमारे माउथ को मॉइस्ट बनाए रखने का काम करते हैं, मॉइस्ट उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। तो यहां पर हम दो बातें मेंशन करते हैं, देखिए इसमें आप, लिप्स इज द फर्स्ट बाउंड्री ऑर्गन ऑफ बक्कल कैविटी, क्लियर। जो हमारी बक्कल कैविटी है, इस बक्कल कैविटी का ये हमारा फर्स्ट बाउंड्री ऑर्गन होता है हमारा कौन सा, लिप्स। नाउ सेकंड टर्म्स में डिस्कस करते हैं आपसे, लिप्स इज फ्लैसी थिक, फ्लैसी थिक एंड फोल्डेड एंड कवर्ड बाई सॉरी एंड सराउंड बाई एंड सराउंड्स बाई ओपनिंग ऑफ माउथ, दैट मीन्स आई डॉट इट
दैट मीन्स दैट इज टू मुएबल लिप्स आर प्रेजेंट, टू मुएबल लिप्स आर प्रेजेंट, टू मुएबल लिप्स आर प्रेजेंट, क्लियर, लिप्स आर, लिप्स आर क्या होगा स्पेशली इसमें, लिप्स आर कवर्ड बाई, लिप्स आर कवर्ड बाई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, क्लियर। जो हमारा ये क्या होता है स्पेशली लिप्स होते हैं, लिप्स आर कवर्ड बाई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है इनसे क्या होता है हमारा लिप्स स्पेशली कवर्ड होते हैं, क्लियर। अब इसमें हम अगली बातें ऐड करेंगे कि जो हमारा इनर सरफेस होता है, इनर सरफेस ऑफ ईच लिप्स, मतलब जो हमारा लिप्स होता है लिप्स का इनर सरफेस जो होता है अटैच टू द गम, ये गम से आपका स्पेशली क्या होता है आपका अटैच होते हैं, क्लियर। तो इसको हम स्पेशली इसमें देखें क्या कहेंगे, इसमें इनर सरफेस ऑफ लिप्स अटैच्ड टू द गम्स, जो हमारा गम्स दैट मीन्स क्या होता है जो आपकी ये क्या होते हैं बक्कल कैविटी में जिसमें आपका टीथ फिट होते हैं वो हमारा गम्स कहलाता है, क्लियर। और हमारा गम्स द्वारा क्या होता है उसमें आपके अटैच होते हैं, ठीक ना, बाई म्यूकस फोल्ड, गम्स बाई म्यूकस फोल्ड कॉल्ड, इसे हम क्या नाम देंगे स्पेशली, क्या कहेंगे, कॉल्ड लेबियल फ्रेनुलम। अब ये लेबियल फ्रेनुलम है क्या स्पेशली, हमने बताया कि जो हमारा ये स्पेशली ओस्ट हैं, जो हमारे लिप्स हैं, लिप्स को हम देखते हैं क्या होता है नीचे की ओर, इसको हम ओपन करते हैं तो देखते हैं उसमें क्या होता है, एक आपका पतली सी लाइनिंग जो होती है गम के द्वारा अटैच होता है, और जो गम के थ्रू अटैच होता है जो म्यूकस फोल्ड मेम्ब्रेन होती है वही आप क्या कराएगी आपकी, उसी को हम नाम देंगे लेबियल फ्रेनुलम नाम देते हैं, क्लियर। तो ये लिप्स जो होता है इन्हीं के द्वारा आपका स्पेशली उसके साथ जुड़े होते हैं, और लिप्स स्पेशली क्या होते हैं आपका फूड को कैच करने के लिए, स्पेशली स्पीच में फूड को कैचिंग करने में, और अदर जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी कैच करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, स्पीकिंग करने में, लाफिंग में, क्लियर, एंड इन वीपिंग, जितनी भी सारी प्रोसेस आप कर सकते हो उसमें स्पेशली क्या होते हैं हमारा ये ओस्ट जो होते हैं ये, या लिप्स जो होता है स्पेशली ये लिप्स जो होते हैं आपका पार्टिसिपेट करते हैं अर्थात इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, क्लियर। तो स्पेशली इसमें जो लिप्स होते हैं, लिप्स आर पार्टिसिपेट्स इन सेवरल फंक्शन, ये भी क्या होते हैं आपके फेस की क्या होती जो आपकी सुंदरता हो सॉरी जो आपकी फेस की ब्यूटीफुलनेस होती है उसको भी ये क्या करते हैं आपका मेंटेन करते हैं, सपोज दैट स्पेशली अगर आपका ये लिप्स कहीं से कट हो जाए, क्लियर, तो आपके जो आपका ये फेस अट्रैक्शन होता है वो प्रॉपरली आपका क्लियर नहीं होगा, कुछ अजीब सा फीलिंग होता है, क्लियर ना। तो इस प्रकार से क्या होता है जो हमारे लिप्स होते हैं ये आपके प्रॉपरली आपके फेस की जो आपकी ब्यूटीफुल होती है उसको या जो फेस का आपका अट्रैक्शन होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, क्लियर। तो इसलिए हमारा जो लिप्स होता है, लिप्स आर पार्टिसिपेट इन सेवरल फंक्शन, ये डिफरेंट फंक्शन में आपका पार्टिसिपेट करते हैं, क्लियर। तो इसमें स्पेशली हमने इतनी बातों को आपका मेंशन किया कि लिप्स इज द फर्स्ट बाउंड्री आर्गन ऑफ बक्कल कैविटी का हमारा बाउंड्री आर्गन होता है, लिप्स इज फ्लेसी थिक एंड फोल्डेड एंड सराउंड्स बाय ओपनिंग ऑफ माउथ, तुम्हारा ये फ्लेसी होता है मांसल होता है इसमें, क्लियर, थिक होगा, फोल्डेड होते हैं और साथ साथ ये आपकी ओपनिंग ऑफ माउथ होती है उनको सराउंड करने में आपका पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प करते हैं, क्लियर।
लिप्स आर कवर्ड बाय स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारा लिप्स होता है स्पेशली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। इनर सरफेस ऑफ लिप्स अटैच टू गम बाय म्यूकस फोल्ड। और म्यूकस फोल्ड के द्वारा ये स्पेशली क्या होता है आपका इनर सरफेस में अटैच होता है गम के थ्रू, गम से, उसे हम नाम देते हैं क्या आपका लेबियल फ्रेनुलम कहते हैं। क्लियर, ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। कौन सा आपका जो फर्स्ट बाउंड्री ऑर्गन था आपका बक्कल कैविटी का, वो आपका लिप्स। क्लियर, नाउ सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं आपसे, पैलेट। देखेंगे इसमें पैलेट में स्पेशली क्या होता है। पैलेट जो होता है हमारा ये पैलेट इज द सुपीरियर बाउंड्री, सुपीरियर पार्ट आप यूं कह सकते हैं कि ये आपका बाउंड्री ऑर्गन जो होता है। देखिए इसमें स्पेशली पैलेट के बारे में, पैलेट जो हमारा पैलेट है ये बक्कल कैविटी का सेकंड पार्ट है। क्लियर, तो इसमें स्पेशली जो हमारा पैलेट होता है, ये पैलेट वाला जो आपका एरिया है बाउंड्री ऑर्गन, वो सुपीरियर एरिया होता है। क्लियर, इसमें आप एक राइट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, पैलेट इज द सेकंड बाउंड्री ऑर्गन ऑफ बक्कल कैविटी। क्लियर, ये बक्कल कैविटी का जो होता है हमारा ये सेकेंडरी ऑर्गन्स होता है, सेकंड बाउंड्री ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर, एंड आल्सो सुपीरियर पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी। क्लियर, ये बक्कल कैविटी का हमारा सुपीरियर पार्ट भी होता है। नेक्स्ट, जो हमारी बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी का जो आपका अपर पोर्शन होता है, तो हम इसमें नाउ यू कैन से कि अपर पोर्शन ऑफ बक्कल कैविटी इज नोन एज पैलेट। क्लियर, जो हमारी ये आपका बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी कहाँ होगी, हम माउथ को ओपन करते हैं, माउथ के ओपन करने जो एरिया दिख रहा है, जो आपका टीथ उसमें प्रेजेंट है, टंग भी हैं, चिक्स भी हैं, पैलेट भी हैं, तो जितने भी एरियाज होते हैं उसमें आप स्पेशली क्या होगा जो हमारा बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का अपर पोर्शन जो ऊपरी वाले एरिया होते हैं, अपर पोर्शन, वो अपर पोर्शन इज आल्सो कॉल्ड एज पैलेट। क्लियर, द अपर पोर्शन ऑफ ओरल कैविटी ORR बक्कल कैविटी, द अपर पोर्शन ऑफ ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी इज नोन एज पैलेट। इट इज क्लियर, इज नोन एज पैलेट। पैलेट आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट हार्ड पैलेट एंड सेकेंड सॉफ्ट पैलेट। क्लियर, तुम्हारे पैलेट होता है स्पेशली ये आपका हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, दो तरह के आपके पैलेट होते हैं। तो देखेंगे इसमें स्पेशली जो हमारा पैलेट होता है हार्ड पैलेट, ये क्या होते हैं आपका, इनको कैसे हम डिफाइन करेंगे। नाउ वी कैन से कि द इंटीरियर पोर्शन ऑफ पैलेट, या इसको हम और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इंटीरियर पोर्शन ऑफ बक्कल कैविटी इज नोन एज हार्ड पैलेट। क्लियर, इट इज मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। ये स्पेशली क्या होते हैं मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से मेड अप होते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट। क्लियर, नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स आर एडेड। हार्ड पैलेट का जो हमारा अपर हार्ड पैलेट एरिया पर, जो हमारा हार्ड पैलेट वाला एरिया होता है, उस पर क्या होता है आपका ट्रांसवर्स रिड्स प्रेजेंट होते हैं,
ट्रांसवर्स रिज जो होते हैं आपका प्रेजेंट होते हैं, उस जो ट्रांसवर रिज होता है उसी को हम नाम देते हैं आपका रोगी। रोगी स्पेशली क्या होता है, एक प्रकार का ए टाइप ऑफ ट्रांसवर्स रिज विच आर प्रेजेंट ऑफ द अपर पाम विच आर प्रेजेंट ऑन द हार्ड पैलेट, वो स्पेशली हार्ड पैलेट पर प्रेजेंट होते हैं। और उनका फंक्शन क्या होता है, उनका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होते हैं, फूड को कैच करना। स्पेशली फूड को क्या करते हैं आपका, स्पेशली कैच कर लेते हैं। तो उनमें क्या होता है आपका रीड जो होता है वो फूड को कैच करने में हेल्प करते हैं। स्पेशली जो और हायर एनिमल हैं, ह्यूमन बींग्स को छोड़कर के और हायर एनिमल में आपका स्पेशली जो आपका वेजिटेरियंस हैं, जो आपका क्या होते हैं स्पेशली हर्बी ओर्स हैं, उनमें क्या होते हैं रीड जो होता है काफी मोटे होते हैं। दैट मींस उसमें आपका थिक, उनकी जो रीड्स की थिकनेस होती है वो आपकी लार्जर होती है। क्लियर, इसलिए क्या होता है उनकी फूड पर आपकी जो कैचिंग पावर होती है वो हाई हो जाती है। ठीक है, तो स्पेशली इसमें हम हार्ड पैलेट में यहां पर हम डिस्कस करते हैं। पैलेट में आपका फर्स्ट जो हमारा पार्ट्स है वो है हार्ड पैलेट। तो हार्ड पैलेट में स्पेशली आप देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम सब एक दूसरे डिस्कस करते हैं। हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट, क्लियर। यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं एक बातें, द एंटीरियर पार्ट, द एंटीरियर पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी, द एंटीरियर पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी ORR ओरल कैविटी इज नोन एज is known as hard palate, hard palate, clear. Next points add, hard palates are made up of or are composed of maxilla and palatine bone, clear, maxilla and palatine bone. So it is called hard palate. क्लियर, द ट्रांसवर्स रिज आर प्रेजेंट ऑन हार्ड पैलेट called रोगी। क्लियर, तुम्हारा हार्ड पैलेट होता है ये स्पेशली क्या होते हैं आपका रोगी कहलाते हैं। हार्ड पैलेट जो होते हैं स्पेशली क्या करेंगे आपका, ये हम हार्ड पैलेट इज सराउंडेड बाई म्यूकस मेम्ब्रेन। क्लियर, ये हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, इससे हमारा हार्ड पैलेट क्या होते हैं स्पेशली सराउंड होते हैं। और जो हमारा रोगी होता है ये क्या काम करता है, होल्ड द फूड, जो हमारे फूड होते हैं उन्हें क्या करता है आपका होल्डिंग करने का काम करते हैं। यहां पर देखेंगे रोगी आर पार्टिसिपेट्स होल्ड द फूड मटेरियल व्हेन इंटर द माउथ। क्लियर, जो हमारा रोगी होता है ये रोगी क्या काम करता है आपका, ये स्पेशली
ये पार्टिसिपेट करता है किस फंक्शन के लिए, फूड मटेरियल को होल्ड करने के लिए, कब, व्हेन इंटर द माउथ, जब उस हम फूड मटेरियल को अपने माउथ में इंटर करते हैं, ड्यूरिंग टाइम इट इज कैच आर पार्टिसिपेट द होल्ड द फूड मटेरियल, ये स्पेशली क्या होता है, फूड मटेरियल को कैच करते हैं ड्यूरिंग द च्यूइंग, ड्यूरिंग द मस्टिकेशन प्रोसेस, मस्टिकेशन प्रोसेस, क्लियर, मस्टिकेशन प्रोसेस के दौरान ये सभी क्या होते हैं आपका, फूड को कैच किए रखती हैं, फूड को होल्ड किए रहती हैं माउथ में, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट्स में है हमारा पैलेट में सेकंड पार्ट सॉफ्ट पैलेट, सेकंड पार्ट सॉफ्ट पैलेट, क्लियर। नाउ डिस्कस टू सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, क्लियर। इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल सा हम आपका इजी जो आपका टेक्निक है इस पर स्पेशली हम वी कैन से द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है आल्सो नोन एज सॉफ्ट पैलेट, क्लियर। सॉफ्ट पैलेट वाई सॉफ्ट पैलेट से हम क्यों सॉफ्ट पैलेट कहेंगे, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मसल्स स्केल, मसल्स एंड दे आर मेड अप ऑफ मसल्स, ये स्पेशली क्या होते हैं, मसल्स आपके मेड अप होते हैं, नो प्रेजेंट इन बोन, इसमें किसी प्रकार का बोन जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है, और ये जो हमारा पोस्टीरियर एरिया है दैट मीन जो सॉफ्ट एरिया है आपका सॉफ्ट पैलेट होता है, उस सॉफ्ट पैलेट एरिया में उसके और पोस्टीरियर साइड में आप देखेंगे क्या होता है, पिंक कलर का एक क्या होता है आपका रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज यूवला, उसे हम नाम देते हैं क्या आपका, यूवला कहते हैं, स्पेशली ये आपका सॉफ्ट पैलेट में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, तो हम इसमें कह सकते हैं पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ बक्कल कैविटी नोन एज सॉफ्ट पैलेट, क्लियर। मेंशन करते हैं इसमें हम स्पेशली द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ बक्कल कैविटी, द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ बक्कल कैविटी इज नोन एज सॉफ्ट पैलेट, क्लियर, सॉफ्ट पैलेट। इतनी बातें इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाई, ये किसके द्वारा फॉर्म होता है, एंड लाइंड बाई म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें हम मेंशन कर सकते हैं इट इज लाइंड बाई म्यूकस मेम्ब्रेन, क्लियर। ये स्पेशली क्या होता है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन से आपका हमारा लाइंड होता है, दैट मीन्स उस पर म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर जो होती है आपकी प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड करेंगे हम द हैंगिंग बॉर्डर ऑफ सॉफ्ट पैलेट इज नोन एज यूवला, क्लियर। यहां पर हम एक बात इसमें बताएंगे, द हैंगिंग बॉर्डर ऑफ सॉफ्ट पैलेट इज कॉल्ड एज यूवला, इज कॉल्ड एज यूवला, क्लियर। सॉफ्ट पैलेट इज मेड अप ऑफ
मसल्स, दैट मीन्स दैट इज नो बोन आर अपीयर, नो बोन आर प्रेजेंट, क्लियर? सो इट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट, क्लियर? ये स्पेशली हमारे बक्कल कैविटी में होते हैं, बक्कल कैविटी में स्पेशली हमारा पैलेट, पैलेट में आपका ये हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, ये स्पेशली यहां पर आपका प्रेजेंट होते हैं, क्लियर? तो नाउ इन दिस टॉपिक इन बक्कल कैविटी में स्पेशली हमने व्हाट इज बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी क्या होता है, बक्कल कैविटी में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, उस पार्ट में स्पेशली आपका लिप्स जो आपके क्या होते हैं, बक्कल कैविटी का एंटीरियर एरिया अर्थात फर्स्ट बाउंड्री ऑर्गन होता है, साथ साथ उसमें आपका स्पेशली क्या होते हैं आपका पैलेट, ये हमारा सेकंड एरिया जो होते हैं स्पेशली ये वो क्या करते हैं, बक्कल कैविटी का आपका सेकंड पार्ट होता है, उसमें स्पेशली टंग मिलेंगे, टीथ मिलेंगे, चीक्स होंगे, ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे लोग क्या करते हैं आपका बक्कल कैविटी के एरिया को मेंटेन करते हैं। तो स्पेशली इन बक्कल कैविटी में स्पेशली हमने क्या क्या डिस्कस किया आपसे, स्पेशली व्हाट इज बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के में स्पेशली आपका फर्स्ट ऑर्गन लिप्स एंड सेकंड ऑर्गन आपका पैलेट, क्लियर? इन दोनों चीजों के बारे में ना स्पेशली आपसे डिस्कस किया। नाउ थर्ड हमारा ऑर्गन होगा, जो हमारा थर्ड आपका स्पेशली क्या होते हैं जो इंफीरियर एरिया में प्रेजेंट होते हैं बक्कल कैविटी के, वो हमारा स्पेशली होगा टंग, ठीक है? तो स्पेशली हम टंग को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर? दिस इज ऑल फॉर टुडे, ओके, थैंक्स।